नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले के पुलिस लाइन में शहडोल जोन के डीआईजी अनुराग शर्मा, उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रबोध कुमार सिन्हा एवं जिला पुलिस बल की मौजूदगी में जिला स्तरीय सैनिक सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए दंगा विरोधी कार्रवाई अभ्यास के दौरान बलवा ड्रिल परेड कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पुलिस के द्वारा उपद्रवकारियों से निपटने के लिए समस्त पुलिस बल के साथ बलवा ड्रिल अभ्यास किया गया, जिसमें उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, जहां पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े गए एवं हवाई फायर कर लाठीचार्ज करते हुए उपद्रवकारियों को अपने कब्जे में लिया। वही पुलिस लाइन में डीआईजी अनुराग शर्मा ने पुलिस वाहनों का निरीक्षण करते हुए सभी पुलिस कर्मचारियों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान निरीक्षण किया गया। वही आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने डीआईजी अनुराग शर्मा उमरिया को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया एवं एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट ने भी पुष्पगुच्छ देकर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा का स्वागत किया। इस दौरान उमरिया जिले के पुलिस लाइन में शहडोल जोन के डीआईजी अनुराग शर्मा, उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा एवं जिला पुलिस बल की मौजूदगी में जिला स्तरीय सैनिक सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही पुलिस लाइन में डीआईजी अनुराग शर्मा ने पुलिस वाहनों का निरीक्षण करते हुए सभी पुलिस कर्मचारियों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना। वही आयोजित सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित पुलिस बल मौजूद रहा। उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। चाहे पुलिस की वर्किंग से संबंधित हो, आपने काफी सारे निर्देश और सुझाव दिए हैं सर। जिला पुलिस बल उमरिया की तरफ से सर मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का हम अक्षर से पालन करेंगे। सीएम हेल्पलाइन में भी सर हम लोग हमारे लोग काफी कोशिश कर रहे हैं और इस बार काफी अच्छी रैंकिंग भी रही है जिले की सर, और अच्छे मार्क्स भी आए हैं सर। तो प्रयास लगातार जारी है सर, और समय समय पे सर आपकी जो भी आशीर्वाद की हमें जरूरत पड़ती है सर, वो हम लेते ही रहते हैं सर, और आपके कार्यालय से मार्गदर्शन सीएम हेल्पलाइन में निरंतर मिलते रहता है सर। चाहे थी सर जिससे हमने अवगत कराया सर, यहाँ जैसे एसडीओपी उमरिया की पोस्ट खाली है सर, महिला डीएसपी का पद भी खाली है सर, और निरीक्षकों में भी काफी कमी है सर, और वाहन चालक की संख्या में भी काफी कमी है सर। तो इस तरह से है पुलिस मुख्यालय के द्वारा सर अभी हमें जो 9 आरक्षक मिले हैं सर, उससे हमारी स्थिति थोड़ी और अच्छी हुई है सर, और परंतु अभी ये लोग ट्रेनिंग की प्रक्रिया में है सर। इनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो सके, क्योंकि काफी समय के बाद सर कोई बैच आया है, तो इन्हें ट्रेन करना हो, चाहे इनके रहने खाने की व्यवस्था हो सर, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जो सम्मेलन होता है उसका पर्टिकुलर उद्देश्य यह होता है कि अधिकारी कर्मचारियों को सीधे उच्च स्तर से, वरिष्ठ स्तर से, पुलिस उप महानिरीक्षक या आईजी साहब जिसका भी जिनका भी इंस्पेक्शन हो, उससे रूबरू होने का, अपनी बात कहने का, और जो समस्याएं सुझाव हो उनको रखने का अवसर मिलता है। सम्मेलन का ऐसा उद्देश्य, सम्मेलन मेरे अनुभव में, मेरे हिसाब से ऐसा सम्मेलन पुलिस विभाग के अलावा मैंने और किसी विभाग में नहीं देखा है कि उसमें जो न्यूनतम आरक्षक का जूनियर मोस्ट जो स्तर है वो ये पुलिस उप महानिरीक्षक का निरीक्षण था, वार्षिक निरीक्षण था, और पुलिस विभाग की पुरानी रोस्टर है उसके हिसाब से एक वर्ष पुलिस महानिरीक्षक महोदय जिले का इंस्पेक्शन करते हैं, और उसके अगले वर्ष पुलिस उप महानिरीक्षक निरीक्षण करते हैं। आज इस रोस्टर के मुताबिक मेरा निरीक्षण था। उस निरीक्षण में सुबह परेड और बलवा परेड, वाहन परेड का निरीक्षण हुआ है। उसके बाद ये सैनिक सम्मेलन हुआ है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी सीधे अधिकारियों से रूबरू होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय और थानों का इंस्पेक्शन इसमें सम्मिलित। इस अंत में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।